हेलो फैमिली, कैसे हो? स्वागत है पुकेटर के एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऑसम एक इवेंट के बारे में बताने वाला हूं, जो इवेंट का नाम है अ पैलेडियन एडवेंचर, जो बिल्कुल नया पोकेमोन गो में रिलीज हुआ है। एंड गाइस, ये जो इवेंट है, यहां पर सिर्फ आपको ऑसम शाइनी पोकेमोन नहीं मिलेगा, बहुत सारा नया पोकेमोन में मिलने वाला है। एंड गाइस, बहुत लोग मुझे पूछते थे कि अननोन कैसे मिलेगा। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये इवेंट में आपको अननोन मिलने वाला है, वो भी शाइनी अननोन भी मिलने वाला है। प्लस गाइस, यहां पर हमें स्पेशल रिसर्च भी मिलेगा। तो गाइस, कुल मिलाकर एक बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है, जो इवेंट को आपको मिस नहीं करना है। तो गाइस, टोटल डिटेल्स बता दूंगा, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से वीडियो को देखते रहो, मजा भी बहुत आने वाला है। तो चलो गाइस, फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो क्या कर रहे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेस कर देना, आपका कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा, आप हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहां पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों के साथ ट्रेडिंग करना है तो वो ग्रुप में जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये जो पैलेडियन एडवेंचर इवेंट है, यहां पर जो डेट है, डेट सुन लो, डेट 5 सितंबर से ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है एंड 10 सितंबर तक ये इवेंट रहने वाला है। ठीक है, तो गाइस अभी देखो, ये इवेंट में हमें जो जो मतलब बोनस मिलेगा वो बोनस मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आऊंगा इवेंट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो बोनस में हमें मिलने वाला है 4x XP, समझ रहे हो, 4x XP मतलब किसी भी पोकेमोन को कैच करने के बाद, हाँ 4x XP आपको मिलेगा वाइल्ड कैचिंग पोकेमोन, मतलब हर एक पोकेमोन को कैच करने के बाद। तो अगर हम एग्जांपल में पकड़ ले कि एक पोकेमोन को कैच करने के बाद हमें 100 करके XP मिलता है, तो ये इवेंट में आपको एक पोकेमोन को कैच करने के बाद 400 करके XP मिलेगा। एंड गाइस, सेम टू सेम आपको 400, मान लो कि एक पोकेमोन को कैच करने के बाद आपको 100 करके स्टारडस्ट मिल रहा है, तो ये इवेंट के दौरान आपको 400 करके स्टारडस्ट मिलेगा। मतलब कुल मिला के आपका जो XP एंड स्टारडस्ट है, बोथ 4x करके मिलने वाला है इवेंट के दौरान। एंड गाइस, आप लोगों को पता ही है पोकेस्टॉप दो टाइप का होता है, एक है ब्लू टाइप का पोकेस्टॉप, मतलब ब्लू कलर पोकेस्टॉप, और एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है आप लोगों को पता ही है गोल्डन कलर में, जो है गोल्डन पोकेस्टॉप। तो गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, गोल्डन पोकेस्टॉप तभी होता है जब हम किसी भी पोकेस्टॉप के ऊपर गोल्डन ल्यूर मॉड्यूल यूज करते हैं। लेकिन गाइस, ये इवेंट के दौरान आपका जो पोकेस्टॉप है, ब्लू पोकेस्टॉप अगर आपका हुआ तो वो भी गोल्डन पोकेस्टॉप में बदल जाएगा। अभी वो कैसे बदलेगा वो हम इवेंट जब स्टार्ट होगा वो तब बता सकते हैं। ठीक है, अभी वो बताना मुश्किल है, शायद वो खुद बा खुद भी हो सकता है। लेकिन पोकेमोन गो की तरफ से यही नोटिफिकेशन आया है कि पोकेस्टॉप जो गोल्डन होगा वो विदाउट गोल्डन ल्यूर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां पर हमें जो नया पोकेमोन्स मिलने वाला है, तो गाइस उससे पहले जान लो जो हमें पोकेमोन वाइल्ड में मिलने वाला है। तो गाइस, जो आप स्लाइड देख रहे हो, ये जितना भी पोकेमोन है ये आपको वाइल्ड में मिलेगा, वो भी शाइनी, मतलब जिसके सर के ऊपर स्टार है वो आपको शाइनी मिलने वाला है। अभी गाइस आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। अभी ये इवेंट में ऐसा एक चीज हमें मिलने वाला है जो अभी तक पोकेमोन गो की हिस्ट्री में कभी नहीं मिला है, क्या है पता है? वो है शाइनी बूस्ट। शाइनी बूस्ट मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक पोकेमोन रहेगा जो ऑलरेडी इवेंट के वजह से बूस्टेड रहेगा एंड ये टोटली फ्री होने वाला है, मतलब हर एक बंदे को ये पोकेमोन शाइनी मिलेगा। तो गाइस अभी मैं आपको शो करता हूं जो पोकेमोन हमें शाइनी बूस्ट में मिलने वाला है। तो गाइस, जो आप स्लाइड देख रहे हो, यहां पर जितना भी पोकेमोन है सब पोकेमोन शाइनी बूस्ट रहेगा इवेंट के दौरान, मतलब ये जो 5 डेज इवेंट होगा 5 सितंबर से 10 सितंबर तक, ये 5 डेज में आपको ये पोकेमोन को जरूर कैच करना है क्योंकि ये बूस्टेड रहेगा। ठीक है, तो गाइस अभी आते हैं, देखो मैं आपको बताने वाला हूं जो नया पोकेमोन हमें मिलने वाला है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा अभी तक पैलेडियन रीजन का जो जेनरेशन 9 का जो स्टार्टर पोकेमोन है वो पोकेमोन गो में नहीं आया है। तो स्टार्टर पोकेमोन में जैसे स्प्रीगैटिटो, फ्यूकोको एंड क्वैक्सली, ये तीनों पोकेमोन जो है, ये तीनों पोकेमोन जेनरेशन 9 का स्टार्टर पोकेमोन है जो हमें अभी डेब्यूट मिलने वाला है पोकेमोन गो में। ठीक है, इवेंट के दौरान एंड ये तीनों पोकेमोन का ही शाइनी वर्जन भी अवेलेबल रहेगा। प्लस गाइस, एक नया पोकेमोन भी मिलने वाला है जिसका नाम है लिचोंक, ये पोकेमोन भी आपको यहां पर मिलने वाला है एंड इसका भी शाइनी अवेलेबल रहेगा इवेंट के दौरान। ठीक है, तो गाइस अभी आते हैं अननोन पोकेमोन। अभी बहुत सारे बंदे मुझे पूछते थे अननोन कैसे मिलेगा, तो गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है,
इवेंट के दौरान आपको वन स्टार रेट करना है। वन स्टार रेट में जो आप अननोन्स देख रहे हो, ये जितना भी अननोन्स है ये अवेलेबल रहने वाला है वन स्टार रेट में। एंड गाइज ये जो अननोन्स है इसका शाइनी भी अवेलेबल है। प्लस गाइज आप लोगों को तो पता ही है वन स्टार रेट के लिए आप अकेले खुद रेट कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई मेंबर नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही आसान होता है। तो आप बहुत ही आसानी से अननोन का रेट भी कर पाओगे, एंड वहां पर अगर आप लकी हुए तो वहां पर आपको शाइनी भी मिल सकता है, तो ऐसे आप अननोन को भी गेट कर पाओगे ये इवेंट के दौरान। एंड गाइज एट द एंड हमें एक नया स्पेशल रिसर्च भी मिलने वाला है, जो फ्री स्पेशल रिसर्च होगा पैलेडियन एडवेंचर थीम के ऊपर। एंड ये स्पेशल रिसर्च में भी हमें बहुत सारा आइटम्स मिलेगा जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। रिवील होने के बाद मैं आपको अपडेट दे दूंगा, वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो गाइज आज के लिए इंफॉर्मेशन इतना ही था, मैंने आपको टोटल पैलेडियन एडवेंचर इवेंट के बारे में बता दिया, जो जो मिलने वाला है ये इवेंट में, ठीक है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।